दाल चावल बना रहे हैं, पालक वाला दाल चावल और आलू का भुजिया। तो देखिए पानी रख दिए हैं गर्म होने के लिए, पानी हमारा गर्म हो गया है। अब चलते हैं, हम पालक धो लेते हैं और दाल भी धो लेते हैं। तो देखिए हम पालक को धोधा के रखे हैं इधर, इधर दाल और चावल लिए हैं, तो दाल भी धो लेते हैं, चावल भी धो लेते हैं। ये देसी दाल है, यहीं पे धो लेते हैं तो पौधों में पानी भी चला जाता है। दाल धो लिए दोस्तों, दाल का पानी गर्म हो गया, दाल मिला लेते हैं पहले। तो पालक भी डाल देंगे और दाल भी डाल देंगे। दाल भी इसी में मिला देते हैं। दाल में स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं और आधा छोटा चम्मच हल्दी। ऐसे अच्छा से पकने के लिए छोड़ देंगे ढक्कन लगा के, आधा ढक्कन लगाएंगे। और इधर हम पानी जो गर्म कर रहे थे वो चावल धोने के लिए भी थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। ये घर का चावल है दोस्तों, पुराना चावल है, तो पुराना चावल को ना हम लोग गर्म पानी से धोते हैं तो अच्छा बनता है। एक हमारे दोस्त बोले थे कि अनिता जी चावल बनाना बताएं, तो मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो पुराना चावल हो तो उसे अच्छा से धोएं गर्म पानी से। अदहन गर्म हो गया है दोस्तों, चावल को मिला लेते हैं। चावल को एक बार चला देंगे और ढक्कन से ढक देंगे। इधर हमारा दाल खौल रहा है। ये हरा लहसुन का पत्ता ही है, डाल देंगे, गल जाएगा। दाल को भी एक बार चला लेते हैं। ढक देते हैं और हम एक ही साथ बैठा दिए हैं, एक तरफ दाल बन रहा है, एक तरफ चावल बन रहा है। इधर हम आलू को काट लेते हैं भुजिया के लिए। आलू का छिलका नहीं उतारेंगे दोस्तों, छिलका समेत बनाएंगे भुजिया। इसे बारीक बारीक काट लेते हैं, फसल से जल्दी कटेगा तो काट लेती हूँ। भात पका रहा है तो ढक्कन हटा देंगे, एक बार और चला देंगे। पुराना वाला चावल है, दोनों ढबक रहा है, देखिए भात भी और दाल भी देख सकते हैं। तो भात हमारा बन के तैयार हो गया है, तो हम माड़ पसा लेते हैं। माड़ को बहुत सावधानी से छानना पड़ता है, अगर आपको अंदाज़ा ना हो तो आजकल छन्नी आ रहा है, वो छन्नी खरीद सकते हैं, अमेजोन पे है, बिकता है। सुरमा लेते हैं भात को, भात को उतार कर रख लिए हैं, कढ़ाई चढ़ा देते हैं और धो लेते हैं। आलू को मल मल के हाथों से इस तरीके से मलेंगे ना तो अच्छा से सफा हो जाएगा, देख लीजिए सफा हो गया है। अब इसको अच्छा से हम दो पानी धो लेते हैं। देखिए आलू कितना चमकने लगा। कढ़ाई में मिर्चा डाल लेते हैं, दूठो हरा मिर्चा भी डाल लेते हैं, सरसों का तेल डालेंगे,
तो यहीं पे जीरा डाल लेते हैं एक छोटा चम्मच, चटका लेंगे। इधर हमारा दाल बन के तैयार होने ही वाला है, एक कलछुल लेंगे, साफ सुथरा करके इसको गर्म करेंगे और उसके बाद हम तड़का लगाएंगे दाल में। तड़का देखिए खूब बढ़िया से सोना गया है, अच्छे से तड़का भुना जाए तब आलू डालिएगा। आलू डाल लेते हैं, अब इसे ढक्कन से ढक के बढ़िया से भूनेंगे। तो ढक्कन से ढकने से पहले नमक डाल लेते हैं कि जल्दी भुना जाएगा, स्वाद अनुसार नमक डालें। टोक लेते हैं आलू को, बीच बीच में खोल खोल के इसे चलाते रहेंगे, एकदम बिल्कुल करारा भूज के करेंगे। तो दाल हमारा बन गया है दोस्तों, तो हम ना इधर ही को आँच है तो इधर फेर लेते हैं सब्जी को, और इधर हम दाल को घोटेंगे तड़का मारेंगे। तो सब्जी में ना आलू के भुजिया में हल्दी डालना है, तो हल्दी डाल लेते हैं। हल्दी थोड़ा सा डालेंगे, आधा छोटा चम्मच, अब मिला देंगे। अगर आपको तीखा पसंद है तो थोड़ा सा लाल मिर्चाई भी डाल दें। मैं इसमें डालूंगी लहसुन का हरा पतई और धनिया पत्ता, तो धो लेते हैं सभी को, बारीक कुचूर लेते हैं। तो देख लीजिए कितना अच्छा भुना रहा है। इधर हमारा दाल गल गया है, तो दाल देखिए कितना अच्छा गला है। तो अब रही से मह लेते हैं। बड़ा मज़ा आता है दाल महने में। धनिया पत्ता लहसुन पत्ता डाल दिए हैं, ऐसे बढ़िया से करारा भूनेंगे धीरे धीरे आँच पे। बड़ा टेस्टी बनता है दोस्तों, इस तरीके का भुजिया बनाइएगा जरूर अपने घर पे। ढक्कन से ढक के ही भूनेंगे। इधर हमारा देखिए कलछुल बिल्कुल गर्म होकर लाल हो गया है, तड़का मारने के लिए तैयार है। तो इस पे रख देंगे। तड़का में देखिए हम लहसुन लिए हैं, जीरा लिए हैं और मिर्चा लिए हैं, तो मिर्चा को और सभी चीज़ों को इसमें हम तड़काएँगे। तो थोड़ा सरसों का तेल डाल लेते हैं, और डालने के बाद सबसे पहले लहसुन डाल देंगे, फिर मिर्चाई डालेंगे, जीरा भी, और आग पे इसे ले जाएंगे। देख लीजिए इस तरीके से आग पर रखना होता है, तो बढ़िया से ये चटक जाएगा और सौंधा सौंधा खुशबू भी आएगा। देख लीजिए अच्छा से चटक गया है, ये जो मिर्चा उर्चा था लहसुन उसन था खूब बढ़िया भुजा गया है सोना सोना। तब जाके हम इसे तड़का मारेंगे। थोड़ा आग में भुनाने में टाइम लगता है, जैसे तड़का हम भून रहे ना तो इसमें 5 से 7 मिनट लग गया है भूनते भूनते, तो ज़्यादा वक्त लगता है, तो घबराए ना। अब देखिए इस तरीके से हम पोछ लेंगे और दाल में तड़का मार देंगे। आलू का भुजिया भी हमारा बनके तैयार हो गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया करारा बनके तैयार हुआ है दोस्तों, देखिए। तो दाल भात भुजिया बनके दोस्तों हो गया है तैयार, तो मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। भात परोस लेते हैं और दाल भी और सब्जी भी,
खिला खिला भात बनाए देख लीजिए दोस्तों। अब इसे परोस लेते हैं। दाल भी चूल्हे पे ही था, गरम रहेगा तो खाएंगे तो मज़ा आएगा। गरम गरम कोई भी चीज़ खाने पर मज़ा आता है। तो देखिए हम दाल भी निकाल लेते हैं, दाल भी निकाल दिए, अब सब्जी निकाल लेते हैं। देख लीजिए कितना बढ़िया करारा हुआ है। तो सब्जी भी निकाल लिए। तो लीजिए दोस्तों, हमारा दाल भात सब्जी बन के तैयार हो गया है। आपको कैसा लग रहा है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये पालक वाला दाल है, ये बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी है और बड़ों के लिए तो इतना मंगलिया चाट के खाइएगा आप भात दाल से, चाहे रोटी से भी खाइएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो आप भी अपने घर में इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाइएगा हमारे कहने से। वीडियो पसंद आए तो लाइक दबाइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो फिर मैं मिलती हूँ एक नए वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी को नमस्कार दोस्तों। एंजॉय करें और जुड़े रहें अनीता जी के किचन के साथ। हम चलते हैं गर्मा गर्म खाने और आप भी खाएं।